बीजेपी के लोग जो हैं झारखंड में सदन में अलग से एक रूम चाहते हैं, हनुमान चालीसा ये हिंदू जो धर्म के लोग हैं वहाँ बैठ सके, जिस तरह से मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए रूम अलॉट हुआ है। तो क्या कुछ लग रहा है कि अब बीजेपी जो है सिर्फ धार्मिक राजनीति ही कर रही? बीजेपी अभी से नहीं, मुझे लगता है बीजेपी का जन्म ही हुआ है धर्म की राजनीति करने के लिए। हम सब जानते हैं इनके जो गॉडफादर आरएसएस हैं, उनके उनके ही सारे नियमों और कानूनों पे चलने वाली बीजेपी है। तो अभी तक आपने देखिए जहां जहां भी बीजेपी चुनाव के मैदान में उतरी है वो क्या लेके आते हैं, राम मंदिर लाते हैं, मस्जिद लेके आते हैं, धर्म लेके आते हैं, जात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, मैं हूं निखिल। आचार संहिता लग गया है पंचायत चुनाव के चलते। निखिल नितेश यादव कल गोपालगंज गए थे और गोपालगंज में एक फोटो वायरल हो रहा है उनको पैसा बांटते हुए, जिस पे जब सवाल बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पैसे वाले लोग पैसे बांटते हैं, बीजेपी और जदयू काम करने वाली पार्टी है। नेता जी आपके पैसा बांट रहे हैं। देखिए ये जो जेडीयू और बीजेपी वाले का आरोप है पैसे वाले लोग, तो इनसे ज्यादा घपलेबाज भाई बीजेपी के तो स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नीतीश कुमार के बारे में, 56 घोटालों के बेताज बादशाह। तो आप समझ सकते हैं आरसीपी भी टैक्स इन्हीं की सरकार की देन है, जहां बिना मतलब कोष में जमा किए गए राशि आपको कुछ काम नहीं हो सकता है। छोटे से छोटे ब्लॉक में भी मामूली सा मामूली काम कराने के लिए भी पहले वहां पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो जिनके पास खुद खजाने भरने का ये महज 29 वर्ष की उम्र में 49 बार रक्तदान कर न जाने कितनों के शरीर में अमर रहने वाले पत्रकार और समाज सेवी रक्तवीर स्वर्गीय जैनेन्द्र ज्योति को श्रद्धांजलि देने का मौका है। 22 सितंबर 2021 को पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय जैनेन्द्र ज्योति जी की पहली पुण्यतिथि के दिन रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, कोरोना जांच और दवा वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान जरूर करें। आप किसी भी जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये चलन है, वो लोग अगर दूसरे के बारे में ये बात बोल रहे हैं तो बड़ा दुखद और हास्यास्पद है। रही बात तेजस्वी यादव जी की, तो तेजस्वी यादव जी उस पार्टी के नेता हैं जिसको कि अपार जन समर्थन और प्यार बिहार की जनता ने दिया और बिहार में नंबर वन की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनकर उभरी है। वो जब भी कहीं भी क्षेत्र में जाते हैं तो लोग अपनी मांगों को लेकर के, अपनी जो कहते हैं उनकी उम्मीद एक तेजस्वी यादव जी में दिखती है, जिसको लेकर के वो जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए हमारी क्या दुर्दशा है। और हमारे आज जो सत्ता में बैठेधारी जो लोग सही मायने में जो विपक्षी लोग हैं उनको बुरा लगता है, दुख लगता है जब हम उन गरीबों से हमारे नेता मिलते हैं, उनके दुख को बांटने की कोशिश करती है, तब इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। तो जाहिर सी बात है ये सरकार जो झूठ बोल करके चोर दरवाजे से बनी हुई सरकार है, तो उनका तो ये कृत्य है, ये बार बार ऐसे बात बोलते रहेंगे लेकिन हमारे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव जी कल भी और आज भी जमीनी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाते रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे, चाहे ये कितना भी पैसे बांट रहे थे। देखिए जरूरत होती है, आपने देखा है बाढ़ पीड़ित लोगों की आपने दुर्दशा देखी है, आपने कवरेज किया होगा बाढ़ में जाके लोगों को क्या दुर्दशा है उनकी, आपने मेडिकल में देखा क्या फैसिलिटीज दे रही है। कोविड काल में लोग दम तोड़ दिए हॉस्पिटल के बाहर, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, मेडिसिन नहीं था, कोई हॉस्पिटल में इंतजाम नहीं था, तो अंततः आदमी की पूर्ति कैसे होती है। सरकार जब अनदेखा करती है तो कहीं ना कहीं मदद के लिए तो हाथ बढ़ाने पड़ते हैं ना। तो सरकार वर्तमान को दुख होता है, तकलीफ होता है उनको कि भाई वो तो कर नहीं पा रहे हैं कहीं जनता के लिए, और जो लोग कर भी रहे हैं वहां ये लोग इफ और बट करते हैं, लेकिन असल मामले में ये सरकार है उनको शर्म आनी चाहिए। महज 29 वर्ष की उम्र में 49 बार रक्तदान कर न जाने कितनों के शरीर में अमर रहने वाले पत्रकार और समाज सेवी रक्तवीर स्वर्गीय जैनेन्द्र ज्योति को श्रद्धांजलि देने का मौका है। 22 सितंबर 2021 को पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय जैनेन्द्र ज्योति जी की पहली पुण्यतिथि के दिन रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, कोरोना जांच और दवा वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान जरूर करें। आप किसी भी जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बीजेपी के लोग जो हैं झारखंड में सदन में अलग से एक रूम चाहते हैं, हनुमान चालीसा ये हिंदू जो धर्म के लोग हैं वहाँ बैठ सके, जिस तरह से मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए रूम अलॉट हुआ है। तो क्या कुछ लग रहा है कि अब बीजेपी जो है सिर्फ धार्मिक राजनीति ही कर रही है?
बीजेपी अभी से नहीं, मुझे लगता है बीजेपी का जन्म ही हुआ है धर्म की राजनीति करने के लिए। हम सब जानते हैं इनके जो गॉडफादर आरएसएस हैं, उनके उनके ही सारे नियमों और कानूनों पर चलने वाली बीजेपी है। तो अभी तक आपने देखिए जहाँ जहाँ भी बीजेपी चुनाव के मैदान में उतरी है वो क्या लेके आते हैं, राम मंदिर लाते हैं, मस्जिद लेके आते हैं, धर्म लेके आते हैं, जात लेके आते हैं। तो क्या बीजेपी से ज़्यादा कोई जात और धर्म की राजनीति करता है? ना किसी ने किया है, ना ही आगे कई वर्षों तक कोई करने वाला, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा होता नहीं है सिवाय जाति और धर्म की राजनीति करने का। तो ये लोग क्या बोलेंगे? और कोई पहली दफ़ा ये नहीं हुआ है कि मतलब मुसलमान धर्म के लोगों के लिए अलग एक नमाज की व्यवस्था की गई है, ये हर बार होते रहा है, लेकिन अब उसको मुद्दा बना करके क्या बीजेपी ये कह सकती है कि मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं? मान ले वो दे दे, लिख करके बता दे लोगों को, क्यों नहीं बीजेपी में इतना हिम्मत है कि वो बोल देते हैं कि बोल दे वो कि मुसलमान जो है वो हमारे वोटर नहीं है, बोल दे। अगर वाकई में बीजेपी में दम है तो मैं तो चैलेंज करती हूँ कि सामने खड़े होकर बीजेपी का एक मंत्री विधायक बोल दे, क्लियर कर दे कि मुसलमान जो है हमें वोट नहीं करते हैं, और तब वो बोले तब मुझे समझ में आएगा। तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के लिए रिमाइंडर भेजने के लिए फिर से प्रधानमंत्री को बोल कह रहे हैं कि फिर से प्रधानमंत्री को रिमाइंडर भेजा जाए, लेकिन बीजेपी के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि धैर्य रखना चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर विचार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देखिए समय रहते कोई चीज़ उपाय हो जाए तो ही कोई फ़ायदा होता है। कहते हैं मर्ज का इलाज जो है ना, बीमारी के टाइम में ही दवाइयाँ मिल जाए तो मर्ज ख़त्म किया जा सकता है। धैर्य रखने की बात कहाँ है, ये तो बहुत लंबा समय से मांग किया जा रहा है। अब तो कह लीजिए कि वक्त ख़त्म हो गया है। पहला भी रिमाइंडर तेजस्वी यादव जी ने दिया था जिसके बाद के मुख्यमंत्री जी को मिलने का वक्त दिया गया, तो अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब केंद्र से कोई अभी तक नहीं आया है जवाब, तो जाहिर से बात दोबारा तो उन्हें रिमाइंडर देना ही पड़ेगा। तो सब्र करने की बातें ऑलरेडी मुझे लगता है बहुत देर हो गया, और बार बार जब तक कि केंद्र सरकार इसमें कोई राय नहीं ले लेती है ये चलते रहेगा। ये थी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान जी, जिन्होंने किस तरीके से तेजस्वी यादव का जो फोटो वायरल हो रहा है गोपालगंज में पैसा बांटने वाला, उस पर साफ साफ कह दिया है कि लोगों की ज़रूरत थी, बाढ़ में लोगों को सहायता नहीं दी है सरकार ने। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।